पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राजेश कुमार, कौन सा गांव? खानपुर। क्या मामला है? ये मामला आपस का पति पत्नी के मामला होगा कोई? नहीं, जो आज घटना घटी है, हाँ, दोनों ने एक दूसरे को गोली मारकर हत्या करी है, ये क्या है? दोनों का आत्महत्या है या फिर मर्डर है? किसका बताएं? इसका भाई जानकारी नहीं है हमें कि आत्महत्या है मर्डर है। इधर का हमारा कोई पेशकार नहीं आने जाने का, हमारा घर जो सड़क पे है। बताएं आपको पता कैसे लगी? जब पता तो ऐसे लगी जब गाँव के लोग सब आ जा रहे, गाँव में हमारे ढोला हो रहा था रात, ठीक है, उसमें से लोग आ जा रहे तो पता लगी, एम्बुलेंस आई। तो एम्बुलेंस के साथ कैसे आई रात में इधर एम्बुलेंस, तो लोग इकट्ठे हुए थे। क्या बजे की? करीब 2 बजे रहे, वो लमसम हो रहे थे। पुलिस क्या बजे आई? पुलिस तो रात को तो शायद आई नहीं थी। पुलिस नहीं आई रात, सुबह आई पुलिस। हाँ सुबह आई। कितने बच्चे हैं मृतक पे? मृतक पे 4 बच्चे हैं। अच्छा, क्या करते थे? मजदूरी करते हैं। गाँव में बाहर करते थे? ना, बाहर करते थे चंडीगढ़। रात्रि 13-14 की रात्रि को एक पुलिस को सूचना मिली कि इसमें अनेकपाल, खानपुर गांव है बिलारी के ना, जिसमें अनेकपाल और उसकी पत्नी सुमन दोनों गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि अनेकपाल और सुमन में आपसी लड़ाई झगड़ा होता था, हमेशा उनमें अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। आज भी मतलब रात को भी उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ, तो अनेकपाल ने अपनी पत्नी को गले लगाया और अपने को गोली मारी, जिससे उसकी पत्नी को भी वही गोली लगी। दोनों की अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है और इसमें घर वालों से तहरीर प्राप्त कर ली गई, आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। अच्छा सर, जो गोली चली है वो लाइसेंस ही अपने चली है या प्राइवेट? प्राइवेट है, तमंचा है। तमंचा बरामद हो गया? हाँ जी, तमंचा बरामद। तो सर कोई सुसाइड नोट मिला है? सुसाइड नोट तो अभी तक इस तरह का कोई नहीं मिला है, लेकिन जो बच्चे हैं वहाँ पे घर में मौजूद थे, उन्होंने कहा पापा मम्मी में लड़ाई झगड़ा हुआ था और फिर गोली चलने की आवाज आई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।